स्वागत है आपका हमारे सभा जफर बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी सभी खबरें। बिहार की आज के न्यूज़पेपर में आए हुए शिक्षा से जुड़ी खबरों का निचोड़। वेतन भुगतान के आदेश का शिक्षकों ने किया स्वागत। बिहार पुलिस में नियुक्त होंगे 31 बाल सिपाही। पढ़ाई के बाद करना होता है कुछ घंटे काम। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना विषय हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। तीन 8/2022 का लेटर है, यहाँ आप देख रहे हैं 3/8/2022 का लेटर है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान सीतामढ़ी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड विषय स्वीकृत एवं अनुदानित मदरसों में सृजित पद मैट्रिक प्रशिक्षित इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित पदों पर कार्यरत शिक्षकों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में 2/8/2022 बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना। पढ़ाई पर संकट, छात्र छात्राओं के बैठने के लिए बेंच डेस्क तक भी नहीं। साधन सेवी का कार्य कर रहे शिक्षक लौटे स्कूल, आदेश जारी। सासाराम जिले का न्यूज है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के रिक्त 110 पदों पर चयन के लिए लगेगा कैंप। 6 अगस्त को होगा 2 कैंप का आयोजन, विभिन्न नियोजन इकाइयां लेगी हिस्सा। सासाराम जिले का न्यूज है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ तेज, पटना से न्यूज है। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 7वें चरण का प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की मांग लेकर चल रहा आंदोलन। वेतन भुगतान के आदेश का शिक्षकों ने किया स्वागत। पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार के DLED में नॉट सर्टिफाइड वाले शिक्षक किए गए पास। शिक्षकों के बंद वेतन को भुगतान का आदेश। BRC में कार्यरत BRP का प्रतिनियोजन रद्द। सासाराम जिले का न्यूज है। अधर में मध्य विद्यालय कोचस के हेडमास्टर की प्रोन्नति। सासाराम जिले का न्यूज है। 6 अगस्त को होगी शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। सासाराम जिले का न्यूज है। प्रतिनियुक्ति रद्द होने के बावजूद गैर शिक्षण कार्य में डटे शिक्षक, रोहतास। 6 से होगी शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग। बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए 46,963 छात्राओं ने किया आवेदन। अड़तीस स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं, 837 में सिर्फ 30। पटना 2019 तक BED पास हो सकेंगे नियोजन में शामिल, 6ठा चरण का न्यूज है। सूबे के 38 स्कूलों में एक भी बच्चा नामांकित नहीं, यहाँ से आप पूरा डाटा इसका पढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षकों को अब समय पूर्व भी मिल सकती है प्रोन्नति। पटना DLED में 12वीं पास सभी छात्र करा सकेंगे नामांकन। पटना आवर्त सारणी वो महादेवी वर्मा को नहीं पढ़ेंगे 10वीं के बच्चे। मुजफ्फरपुर अवसर, छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पंजीयन 13 तक। 28 अगस्त को छात्रवृत्ति परीक्षा होगी, 5 सितंबर को परिणाम आएगा।
बीएड में नामांकन को रजिस्ट्रेशन आज तक बीपीएससी 66 टॉप 10 में बीटेक वालों का दबदबा पटना। नवोदय में दाखिले को आवेदन 18 तक। बीपीएससी में वैशाली के सुधीर कुमार टॉपर 66 परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया रिजल्ट। अब यहाँ से इसका डाटा पूरा पढ़ सकते हैं। टॉप रैंक लिस्ट 1 से 10 तक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। स्कूलों में 12 से 17 साल के छात्रों को लगेगा टीका। डीएलएड में नामांकन की न्यूनतम अर्हता उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण पटना। ये 3 अगस्त का लेटर है। विषय नवसृजित नवगठित नगर निकाय के गठित होने के बाद ही प्राथमिक 7वां चरण का नोटिफिकेशन निकले उसके संबंध में। निवेदक प्राथमिक शिक्षा महोदय रवि प्रकाश। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। बिहार में शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी सभी खबरों का अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जाता है। आप जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हों सभी में शेयर करें। थैंक यू।